नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे, कॉर्बेट पार्क में बड़ा बाघों का कुनबा। देश में घटते बाघों की संख्या को देखते हुए साल 1973 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण ने WWF की मदद से कॉर्बेट पार्क सहित देश के 9 राष्ट्र पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसकी मदद से कॉर्बेट सहित अन्य राष्ट्र पार्कों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं। सोमेश्वर में 20 लाख की अफीम के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार। पुलिस, SOG और STS की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सफलता हासिल की। संयुक्त टीम ने दो कोसी के निकट रानीखेत जाने वाले तिराहे पर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर से 2 किलो से अधिक की अफीम बरामद की गई है। मामले में सोमेश्वर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटते व्यूअर्स के कारण देहरादून में यूट्यूबर ने दी जान। चैनल पर नहीं बढ़ रहे थे फॉलोअर्स। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में यूट्यूबर चैनल चलाने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्राथमिक तौर पर पुलिस इस केस को आत्महत्या ही मानकर चल रही है। हालांकि अभी मामले की जाँच की जा रही है। युवती के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। 3 अप्रैल को PM मोदी से मुलाकात करेंगे CM धामी। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में CM धामी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी PM मोदी को चौदह मात्रा से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें उत्तराखंड आने का न्यौता देंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी PM मोदी के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। हल्द्वानी में आवास विकास के रिकॉर्ड रूम में चोरी, कई दस्तावेज गायब तो कई फाइलों में लगाई गई आग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अज्ञात चोर ने आवास विकास के दफ्तर में सरकारी फाइलों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने कुछ फाइलों में आग भी लगाई। आवास विकास के जिस दफ्तर में आग लगाई गई वो जिला विकास प्राधिकरण का रिकॉर्ड रूम है। शारदा सागर डैम की सुरक्षा दीवार और पिंचिंग क्षतिग्रस्त है। कई गाँव पर मंडरा रहा खतरा। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित शारदा सागर डैम की सुरक्षा दीवार और पिंचिंग क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह इसके किनारे बसे कई गाँव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सूचना पर यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और ग्रामीणों को दीवार और पिंचिंग को जल्द मरम्मत करने का आश्वासन दिया। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने लैंडस्लाइड वाले इलाके का किया दौरा। PWD के अधिकारियों को लगाई फटकार। बीते शुक्रवार को ही भारी बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर कहर बरपाया है। मसूरी में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, जिसका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। इसके अलावा मंत्री जोशी ने मसूरी में चले निर्माण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों और ठेकेदारों से बात की। रुद्रपुर में नाले में मिली सड़ी गली लाश, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में शनिवार 1 अप्रैल को समय सनसनी फैल गई, जब लोगों को नाले में सड़ी गली हालत में लाश मिली। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक लाश करीब 10 से 12 दिन पुरानी है। लाश का कुछ हिस्सा डिकम्पोज हो चुका है, ऐसे में लाश की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। JEE पेपर लीक मामले में SCI ने पूर्व BJP नेता को दबोचा। नारसन से संजय धारीवाल गिरफ्तार। 4.25 लाख और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद। आखिरकार SIT ने JEE परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चले पूर्व BJP नेता संजय धारीवाल को मंगलौर के नारसन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर। BJP और कांग्रेस ने तैयार किया एक्शन प्लान। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। इस कड़ी में BJP 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने वाली है, जिसमें PM मोदी और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी विधायकों सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। वहीं कांग्रेस ने BJP सांसदों द्वारा गोद लिए गए गाँव का दौरा कर उनकी हकीकत जनता को बताने का प्लान बनाया है। अवैध खनन के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई, 2 JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। प्रदेश में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध खनन के मामले में कोई कमी नहीं आ रही। आए दिन कहीं न कहीं से अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील का है। भीकमपुर क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर लक्सर पुलिस ने छापेमारी कर 2 JCB सहित 3 वाहन जब्त किए हैं। अवैध खनन को लेकर पुलिस संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर। 15 अप्रैल तक काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को विशेष निर्देश दिए हैं, जिसके तहत गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार शनिवार को ऋषिकेश पहुंचे। रुड़की में 2 सड़क हादसों में हरियाणा के 2 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज रुड़की में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन सड़क हादसों में 4 लोग भी घायल हुए हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस दोनों मामलों में छानबीन में जुट गई है। राहुल गांधी के मामले को उत्तराखंड कांग्रेस ने बनाया संघर्ष का मुद्दा, चलाएगी पोस्टकार्ड अभियान। कांग्रेस 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। इस रैली का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना बताया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस पोस्टकार्ड अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में PM मोदी को पोस्टकार्ड के जरिए जनता के दुख दर्दों से अवगत करवाया जाएगा। CM धामी बोले, बारिश का चारधाम यात्रा पर नहीं पड़ेगा असर, किसानों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया।
मौसम की बेरुखी का असर किसानों पर पड़ रहा है। बीते दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने साझा किया 30 साल पुराना वीडियो, अपने संन्यास समारोह का किया याद। योग गुरु बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर अपना 30 साल पुराना वीडियो साझा किया। ये वीडियो बाबा रामदेव के संन्यास समारोह का है। इस वीडियो में बाबा रामदेव के साथ बालकृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी और रामनगर में बारिश और ओलावृष्टि ने ढाया कहर, पैदावार बर्बाद होने से किसान मायूस। हल्द्वानी और रामनगर में बारिश और ओलावृष्टि का कहर देखने को मिला है। यहाँ किसानों की गेहूं और टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं रामनगर को लीची और आम पूरे देश में जाना जाता है, आम और लीची की फसल बर्बाद होने से किसान मायूस है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। नरनारायण, नीलकंठ, माणा सहित अन्य चोटी भी बर्फ से लगभग हो गई हैं। बर्फबारी के बाद धाम ठंड बढ़ गई है, साथ ही धाम में हो रहे कार्य भी बाधित हो गए हैं। बागेश्वर में बारिश का कहर, सड़कें बंद, फसलों को नुकसान, वज्रपात से बच्ची घायल। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, खासकर किसानों के तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह सड़कें बंद पड़ी हैं। रीमा में बिजली गिरने से एक बच्ची जख्मी हुई है। हल्द्वानी में दिखा रंगों का संसार, उत्तराखंड के साथ बिहार और राजस्थान की पेंटिंग कर रही आकर्षित। हल्द्वानी के सरस मार्केट में एग्जीबिशन में उत्तराखंड की कला के साथ ही अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। वहीं एग्जीबिशन में तरह तरह की पेंटिंग लोगों को आकर्षित कर रही है, जिसको बेहतरीन रंगों से उकेरा गया है। हरिद्वार में बादलों में भगवान शिव की आकृति बनने का दावा। हरिद्वार में बादलों से भगवान शिव की आकृति बनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बारिश थमने के बाद अमरापुर घाट के फ्लाईओवर के पास यह वीडियो बनाया गया, जिसे लोग शेयर कर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, पेपर लीक के बाद बदली थी आयोग ने तिथि, पढ़े ये अपडेट। प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 9 अप्रैल को प्रदेश में 600 से अधिक केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। 2 लाख से ऊपर अभ्यर्थी ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा पहले 22 जनवरी को होनी थी। इस बीच पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया। चूंकि उस पेपर लीक में आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का नाम शामिल था, इसलिए आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। इसकी नई तिथि 9 अप्रैल तय करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती के लिए भी नया पेपर बनाया जाएगा। आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खटीमा में गेहूं की फसल बर्बाद। आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खटीमा बाजपुर में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं रुड़की लक्सर आसपास के क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। बागों में आए बौर के झड़ जाने से बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों और बागवानों ने सरकार व प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किल, पटना के बाद अब हरिद्वार न्यायालय में मानहानि का वाद दायर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी की पहले लोकसभा से सदस्यता खत्म हुई, अब हरिद्वार न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर हुआ है। वाद आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया की ओर से दायर किया गया है। देहरादून दिल्ली आने जाने के लिए अब 2 टनल, डाटकाली क्षेत्र में तीसरी सुरंग बनकर तैयार। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के तहत डाटकाली क्षेत्र में तीसरी सुरंग बनकर तैयार हो गई। आने वाले समय में देहरादून से सहारनपुर और दिल्ली की तरफ से आने जाने के लिए 2 अलग अलग सुरंगों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि सबसे पुरानी पहली सुरंग का प्रयोग डाटकाली मंदिर में आने जाने के लिए किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में सीएम धामी ने राजस्व बढ़ाने पर दिया जोर, विभागों के लक्ष्य प्राप्ति की होगी समीक्षा। आज 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। नया वित्तीय वर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस साल के एजेंडे पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस प्रदेश का राजस्व बढ़ाने पर है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस में गुलजार के दस्तक हॉस्टल से बाहर नहीं निकल रही छात्र हिमवती नंदन बहुड़ा। केंद्र गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस में गुलजार की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। डर के मारे छात्र हॉस्टल के कमरों से बाहर तक नहीं निकल रहे, पूरे कैंपस में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने ऐसे किसी जानकारी होने से इनकार किया है। सस्ती शराब और दून मेयर संपत्ति मामले पर आप हमलावर, 4 अप्रैल को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। आम आदमी पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। आप नेता रविंद्र आनंद ने दून मेयर सुनील उनियाल गामा संपत्ति विवाद और प्रदेश में शराब सस्ती के जाने के मामले पर धामी सरकार को घेरा। इसी मामले पर आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।